इंडिया में काफी सारे गेमर्स निकल कर आ रहे हैं जो कि स्मार्टफोन में अपने BGMI खेलते हैं, BGMI को स्ट्रीम करते हैं और कुछ लोग जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं BGMI की। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है भाई, जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पर या फिर स्ट्रीमिंग के टाइम पर जो है ना हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, जिस वजह से आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह मिलते हैं, FPS कम मिलने लगते हैं गेमिंग में। लेकिन इसका जुगाड़ पता है हम सभी को कि भाई कैप्चर कार्ड वगैरह लगाकर जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग से डिवाइस क्यों खरीदना भाई, जब आपका फ्री में डायरेक्टली आप हार्डवेयर के थ्रू ही अपनी स्क्रीन को ही कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हो और उसके बाद OBS में कनेक्ट करके अपनी स्क्रीन को स्ट्रीम कर सकते हो YouTube पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर कोई लेटेंसी का भी चक्कर नहीं है, कोई लैग नहीं मिलेगा, एकदम रियल टाइम पर आपकी स्क्रीन जो है वो शेयर होती रहेगी आपके कंप्यूटर पर और कंप्यूटर से आप उसको OBS से कनेक्ट कर सकते हो। और ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूँ, मतलब आपको कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है और सॉफ्टवेयर में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप फ्री में स्ट्रीम कर पाओगे। तो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली आप एनी मिरर 2.0 को डाउनलोड कर सकते हो और ये जो एप्लीकेशन है ना ये काफी शानदार एकदम फ्री में काम करती है। जैसे कि यहाँ पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको फ्री में डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखो सॉफ्टवेयर को खोलते ही ना काफी सिंपल UI दिखेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप कौन से डिवाइस को मिरर करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं अपने आईफोन की स्क्रीन को मिरर करना चाहता हूँ और अपने आईफोन में गेमिंग करके मस्त सी अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक करा ना दो ऑप्शन दिख रहा है, या तो मैं USB के थ्रू कर सकता हूँ, यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तरह से USB से प्लग इन करना होगा, ट्रस्ट का ऑप्शन आएगा वो क्लिक करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन है, मैं जो है वायरलेसली भी अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ। तो ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट फीचर है। देखो अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप USB वाला मेथड आप यूज करना। अगर आप नॉर्मल कोई किसी को स्क्रीन का दिखाना चाहते हो कंटेंट वगैरह अपनी बड़ी स्क्रीन पर मिरर करके, तो आप वाईफाई वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। फिलहाल हम USB वाला करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं अपने आईफोन को जो है USB केबल से कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद जो है मेरे PC ने डिटेक्ट कर लिया है और ये कुछ ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पर ड्राइवर जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और बोल रहा है कि अपने फोन को दोबारा से कनेक्ट करो। तो मैं इसको अनप्लग करके दोबारा से प्लग कर देता हूँ और ये अभी ट्रस्ट करने के लिए एक परमिशन मांग रहा है, तो मैं इसको ट्रस्ट पर टैप कर देता हूँ, पासकोड एंटर कर देता हूँ। भाई साहब अब आप देख सकते हो किस तरह से मेरी स्क्रीन जो है वो मिरर हो चुका है और बिल्कुल रियल टाइम में मिरर हो रही है, यहाँ पर कोई लैग नहीं है, कोई भी एक सेकंड या मिली सेकंड का भी मुझे लैग नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी मैं एप्लीकेशन वगैरह खोल रहा हूँ वो एकदम टाइम पर खुल रही है, जैसे कि मैं BGMI खोलता हूँ तो भाई रियल टाइम पर मेरा BGMI ओपन हो रहा है। अब देखो ये कुछ डाउनलोड हो रहा है, उससे पहले आपको कुछ ऊपर फीचर्स दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये परसेंटेज दिखा रहा है, अगर मैं इसको कम करूँ तो मेरा स्क्रीन का साइज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, 70% पर करूँ तो ये और कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डिवाइस का फ्रेम लगाने का ऑप्शन है, जैसे कि मैं इसको ऐड करूँ तो भाई डिवाइस का फ्रेम लग गया है जो कि दिखने में काफी यूनिक सा लग रहा है। तो ये फीचर साइड में आ गए, तो साइड में दिखाऊं तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा। तो नया जो वर्जन है ना इनका काफी सारे नए फीचर्स ऐड करे गए, जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ ना क्लिक करता हूँ तो मेरा स्क्रीनशॉट लिया गया है और ये स्क्रीनशॉट सेव हो गया। मैं फिर से लेकर दिखाऊं और क्लिक टू व्यू पर क्लिक करूं तो यहाँ पर मैं अपने स्क्रीनशॉट को देख सकता हूँ। और ये जो स्क्रीनशॉट है ना ये सिर्फ मेरे डिवाइस का है, मेरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया है। तो जितनी मेरी स्मार्टफोन की स्क्रीन थी सिर्फ उतने का मैं स्क्रीनशॉट देख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो फ़ोन की स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। और ध्यान रखना है यहाँ पर जो है मेरी पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही है, सिर्फ मेरे डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ड्रॉ वगैरह करने का भी ऑप्शन है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ वगैरह करना चाहते हो तो इस तरह से आप ड्रॉ या फिर हाईलाइट वगैरह कर सकते हो कुछ चीज़ों को। बाकी यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएगी जहाँ पर आप इसका पाथ वगैरह सेट कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह या फिर स्क्रीनशॉट्स वगैरह कहाँ पर स्टोर करने हैं। तो यहाँ पर इसका इंटरफेस काफ़ी इजी है और अभी मैं आपको BGMI प्ले करके दिखाता हूँ रियल टाइम में। अब देखो यहाँ पर गेम प्ले दिखाऊँ ना तो यहाँ पर मेरे गेम प्ले पर ध्यान मत देना, मेरी परफॉर्मेंस पर ध्यान मत देना, इस सॉफ्टवेयर की और स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन मिररिंग की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना। यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो गेमिंग काफ़ी स्मूथ हो रही है, देखो मेरा आईफोन जो है 60 FPS देता है मुझे BGMI में और मुझे बिल्कुल 60 FPS मिल रहा है मेरे फोन में भी और मेरे PC में भी मुझे 60 FPS मिल रहा है पूरे। तो ऐसा नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस में कोई डीग्रेड मिलेगा या फिर परफॉर्मेंस में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, काफी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल जाएगी BGMI वगैरह में। तो देखो अगर आप गेमर हो और स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो ना तो आराम से उसमें गेमिंग की स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। अब देखो स्क्रीन हमारे कंप्यूटर पर दिखने लगी है, अब इसके बाद आपको पता ही है किस तरह से OBS से किसी भी विंडो को जो है कैप्चर कर सकते हैं अपने OBS सॉफ्टवेयर में
और उसके बाद स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर OBS में ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जैसा आप सिंपली करते हो एक सीन बनाना, जैसे कि आपको कोई सीन है या फिर ऑलरेडी बनाया है तो वो सिलेक्ट कर लेना। बाद में सोर्स में जाना और यहाँ पर दिखेगा विंडो कैप्चर, तो हमारी जो है एक विंडो कैप्चर करनी है और विंडो कौन से सॉफ्टवेयर की करनी है वो आपको पता ही है। तो यहाँ पर विंडो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं एनी मिरो लाइव स्ट्रीम और इसको मैंने क्लिक करा। अब देखो ये हमारी स्क्रीन पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ और नीचे जो है सब्सक्राइब करने वगैरह के लिए बार वगैरह ऐड कर सकता हूँ। मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा OBS। और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाकर यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर बस सेटिंग में जो है अपनी की वगैरह जो है वो मैं ऐड कर दूंगा और उसके बाद जो है हम अपनी स्ट्रीमिंग को शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल अब हम रेडी हो चुके हैं YouTube पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए। YouTube हुआ या फिर कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हुआ वहाँ पर स्ट्रीम कर सकते हो। अब देखो मैं अपने फ़ोन में भी दिखाऊँ ना कितना स्मूथ मिल रहा है। मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में इसको मूव करके दिखा रहा हूँ, मेन्यू वगैरह खोल कर दिखाऊँ, एनिमेशन देखो बिल्कुल स्मूथनेस मिल रही है और कोई भी डिले नहीं है इसमें। देखो सॉफ्टवेयर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो, 40 मिनट एकदम फ्री मिलती है। अगर आपको लगता है कि भाई आप प्रोफेशनल काम करते हो या फिर दो दो घंटे लंबी स्ट्रीमिंग करते हो तो आप पेड इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि भाई आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो उसके लिए भाई पे तो करना होगा। लेकिन 40 मिनट फ्री मिल रही है, काफी लोगों का तो उसी में ही काम हो जाएगा। बाकी इसी तरह की और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खरीदने की जरूरत नहीं है और इस मतलब आपको कोई हार्डवेयर